नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अभिषेक आपका स्वागत करता हूं। और आज बात करेंगे 15 अप्रैल 2019 की, कि आने वाला जो दिन है वो आपके लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे सारे नोटिफिकेशन आप तुरंत पाएँ। साथ ही साथ हमारा दूसरा चैनल सीएल टेक को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप जो भी नोटिफिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आएँ आप उसको देख पाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात कर लेते हैं मेष राशि की, कि मेष राशि वालों का दिन कैसा रहेगा। कल का दिन काफ़ी अच्छा रहेगा, किसी समारोह यानी कि पार्टी इत्यादि में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बहुत अच्छा मैं कहूँगा कि जो सप्ताह की शुरुआत है वो कल काफ़ी अच्छे होती हुई दिखाई देगी। लेकिन पेट की तकलीफें थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, बाहर का खाना तला हुआ खाना कम खाएं तो बेहतर रहेगा। जहाँ तक आपके प्यार और मोहब्बत की बात है तो उसके लिए भी दिन काफ़ी लाइट रहता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई ऐसी दिक्कत आपको दिखाई नहीं देती। आपका मन अभी आनंद और प्रेम की तरफ भाग रहा है और थोड़ा सा कार्यों के प्रति अभी भी उलझे हुए आप रह सकते हैं, लेकिन आज का दिन जो है वो एंजॉय करने का है। तो मेरी राय रहेगी कि एंजॉय कर लें, स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें तो बेहतर रहेगा। वृषभ राशि के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आलस जो है, हैंगओवर जिसे बोलते हैं वीकेंड का या संडे का, उसको अगर आप अपने ऊपर हावी रखेंगे तो आपको कुछ हासिल उसके होगा नहीं। अपनी आपको थोड़ा सा एनर्जेटिक बनाएं। दिन आराम के लिए तो है, वो तो रोज ही होता है, लेकिन अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं उसको सेट करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अब समय आ गया है कि आप एक कदम पीछे हटकर कुछ फैक्ट्स के आधार पर अपने जो लव रिलेशनशिप्स आपके चल रहे हैं उसको आप देखें। तो यही जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी समय है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और कुछ नया ट्राई करें। कुछ दिनों से निर्णय जो है लेने में आप सामर्थ्यवान नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं यही चीज़ आपके आपके जेस्चर में भी झलक रही है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अपने आप को संतुलित बनाए रखना है। मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका विश्वास काफ़ी पक्का होता हुआ दिखाई देगा और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको फल मिलते दिखाई देंगे। आप दूसरों की तकलीफ को समझते हैं कि काफ़ी अच्छी बात है और कहीं ना कहीं उदारता का परिचय भी देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी अंतरात्मा को काफ़ी दिनों से नहीं सुन रहे हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना भी आपको करना पड़ रहा है। आज आप प्यार में ऑफेंसिव होते हुए दिखाई देंगे। आपको इस सुनिश्चित करना है कि आप अहंकार दूर रखें, नहीं तो प्रेम के मामलों में थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकती है। कुछ मिलाकर खर्चे थोड़े से बढ़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन आप अपने खर्चों को कंट्रोल भी कर पाएंगे, ये भी एक कल के दिन में एक सुंदर बात होती हुई दिखाई दे रही है। दिन कुल मिलाकर ठीक ठीक है। कर्क राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज कहीं ना कहीं आज आप कुछ नया सीखने के प्रयास में रहेंगे और कुछ उपन्यास यानी कोई नॉवल या कोई हो सकता है मूवी देखने का प्लान बनाए, वो भी ऐसी जिसमें कुछ रहस्यमय चीज़ें हों। इमेजिनेटिव वर्ल्ड की मूवी देखने का प्लान आप कर सकते हैं। आज कुछ नई खाने में विशेष ध्यान रखते हुए दिखाई दे रहे हैं और आज आप अपने संबंधों को नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं और इस तरह से पुराने जो अनइम्पॉर्टेंट रिश्ते हैं उनको छोड़कर उनसे बाहर आकर आप कुछ नया करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी समय अच्छा है, जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, उनके लिए समय बहुत अच्छा है, उन्हें कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। और अगर आप नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो क्या बात है, फिर तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन रुकिए, एक बात का ध्यान रखिए, सिर्फ मेरे कह देने से कुछ नहीं होगा, कहीं ना कहीं कर्म तो आपको ही करने होंगे। आप दोनों जो हैं, आपकी दोनों क्षेत्र जो हैं वो बढ़िया रहेंगे, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात होती हुई दिखाई नहीं देती। दिन कुल मिलाकर आपके लिए ठीक ठीक है। सिंह राशि के बारे में बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों, काफी समय से जिंदगी एक ही ढर्रे पर चल रही है और कुछ बोरिंग सी हो गई है। इस नीरस सी जिंदगी को थोड़ा सा आपको चाहिए कि आप एक थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बढ़ाएं और हो सके तो कहीं घूमने जाएं तो बेहतर है, और कुछ नए एक्सरसाइज या डाइट प्लान्स पर ध्यान दें और ये सुनिश्चित करें कि आप उसे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। आज का दिन खास है, आप अपने मन की बात को बताने का मौका मिल सकता है। अगर किसी से दूरियां बन गई हैं तो कोशिश करें उनसे दूरियों को निपटाने की और कम करने की, तो बेहतर रहेगा। आज आप एक नई परियोजना पर काम कर सकते हैं, शायद इन्हीं बातों के लिए आपको कल समय मिल पाएगा। प्लानिंग करने के लिए समय काफ़ी अच्छा आपके लिए होता हुआ दिखाई देगा। दिन कुल मिलाकर ठीक ठीक है।
कन्या राशि के बारे में बात कर लेते हैं, तो परिवार से जुड़े और रियल स्टेट से जुड़े मुद्दों पर कुछ गंभीरता पूर्वक आप काम करते हुए दिखाई देंगे, और हो सकता है कुछ लीगल कार्रवाई, अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा जमा के रखा हुआ है तो उनसे आप लीगल कार्रवाई करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आप समझा समझा के उन्हें हार गए हैं। पुरानी कुछ अधूरी अनसुलझी बातों से परेशान जरूर रहेंगे, और लेकिन फिर भी सकारात्मक रहेंगे, और ये बात काफ़ी अच्छी है आपकी। आज आप आपके साथी के साथ कुछ तथ्यों पर हो सकता है कि सहमति ना बने, जो कि कभी कदार सो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मुद्दे बहुत मामूली हैं लेकिन महत्वपूर्ण भी हैं, लेकिन आप ये मानिए कि शाम आने आने तक स्थितियाँ काफ़ी हद तक आपके पक्ष में आ जाएंगी। जिन परियोजनाओं पर आप लंबे समय से काम कर रहे थे वह अब आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देते हुए दिखाई देंगे। दिन कुल मिलाकर खट्टे मीठे अनुभव कराता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तुला राशि के बारे में बात कर लेते हैं, तो तुला राशि वालों आज काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव होते हुए दिखाई दोगे, और जो नज़र है आपकी वो हर काम के ऊपर आपकी रहेगी, पैनी नज़र जिसे बोलते हैं। अभी के लिए ये कहना मुश्किल है कि आपको कितना लाभ मिलेगा, लेकिन हाँ लाभ आपको ज़रूर होगा। आज प्रेम के लिए भी दिन काफ़ी अच्छा है, आप अपने साथी के साथ अपने दिल की बात साझा कर सकते हैं और कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में उनके को बता सकते हैं। थोड़ी सी यहाँ पर जो आप उन्हें मनाने की कोशिश कर सकते हैं कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बढ़ रही हैं तो आप उनको उतना टाइम नहीं दे पाएंगे आने वाले दिनों में, तो वो मान भी जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो आप कल, और कहीं ना कहीं ऑफिस में भी स्थिति बढ़िया है। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल अभी बना रह सकता है, तो दिन कुल मिलाकर ठीक ठीक ही कहूँगा, कोई बुरा नहीं है। वृश्चिक राशि के बारे में बात कर लेते हैं, वृश्चिक राशि वालों ये सोचने और जानने की ज़रूरत है कि आप क्या नेक्स्ट करें, क्योंकि एक ढर्रे पे अगर आप चलते रहेंगे तो स्थितियाँ थोड़ी उतनी अच्छी मैं कहूँगा कि नहीं आपको रिजल्ट देंगी। थोड़ी देर अपने आप से बात करें, अपने आप को एकांत में लेकर जाएं, और जो व्यस्तता आपकी चल रही है उसे सही दिशा में मोड़ने की ज़रूरत है। आज का दिन आपकी सेहत के लिहाज से काफ़ी ठीक रहेगा, हालांकि कुछ अधिक सोचने के कारण आपको तनाव भी हो सकता है। आपको पार्टनर का समर्थन प्राप्त होगा और कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। आपकी प्राथमिकताएं आप ध्यान में रखेंगे, कहीं ना कहीं आप अपने प्रयासों को तेज करेंगे जिससे आप और आगे बढ़ पाएं। दिन कुल मिलाकर आपके ठीक है, ऐसे साथ कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती। बात करेंगे धनुराशि की, धनुराशि वालों ग्रहों की स्थिति आपको काफ़ी ज़्यादा सोशल होने के लिए इंगित कर रही है, कहीं ना कहीं आपकी जो जीवन शैली है वो कम्युनिकेटिव होते हुए कल मुझे दिखाई देगी, और कहीं ना कहीं आपने जो सोचा है वो सब कोशिशें जो आपने की हैं वो अब फलीभूत होते हुए दिखाई देंगी। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें तो बेहतर रहेगा। आपको ये समझना होगा कि सीमाएं होती हैं हर चीज़ की, आप अगर बियॉन्ड द लिमिट सोचेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। आज सितारे आपके पक्ष में हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप कहीं प्रॉपर्टी इत्यादि में निवेश करना चाहते थे या शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते थे तो उस लिहाज से दिन आपके पक्ष में जाता हुआ मुझे दिखाई देता है। दिन कुल मिलाकर ठीक है आपके लिए। बात करेंगे मकर राशि की, तो मकर राशि वालों आगे बढ़ने के कुछ अवसर मिलते हुए दिखाई देंगे, कहीं ना कहीं आपको कुछ जल्दी हासिल जो है नहीं होता है, ये बात एक फैक्ट है, लेकिन आप अपनी मेहनत से उस चीज़ों को अपना बना लेते हैं, तो उस लिहाज से दिन देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा अपनी जो आदतें हैं उसको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, खाने पीने की खास तौर से, और कार्य क्षेत्र में भाग्य आपका साथ ज़रूर देगा, और आपकी पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको आप बहुत अच्छे से निभा पाएंगे। फिर भी कुछ नए अवसरों की तलाश में हैं और कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलते हुए दिखाई दे रही हैं, इसमें कहीं पे भी कोई शंका दिखाई नहीं देती। कुंभ राशि के बारे में बात कर लेते हैं कि कुंभ राशि वालों कैसा जाएगा। कुंभ राशि वालों सेहत कुल मिलाकर अच्छी रहेगी, लेकिन जिम्मेदारियां थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देंगी। स्वास्थ्य के प्रति ख्याल रखिए, अपने खाने में खास तौर से विटामिन ए और ई को शामिल ज़रूर करें। आज का दिन रिश्तों के लिए ठीक ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन आपको अगर किसी से बात करनी है चाहे वह कोई भी हो तो थोड़ी बहुत हो सकता है कि पहल आपको ही करनी पड़े। पिछले दिनों से कुछ अधिक खर्च हुआ जिसके आप आदी नहीं हैं, लेकिन अभी सतर्कता ज़रूरी है, अपने पैसे को बचा कर चलाएं तो बेहतर आपको रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। स्टूडेंट्स के लिए इतना ही कहूँगा कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको अभी फोकस की और ज़रूरत है, उनकी तैयारी अभी उस तरह से नहीं हुई है जैसे कि उनकी तैयारी होनी चाहिए। कुल मिलाकर दिन थोड़ा सा मध्यम ही कहूँगा। लास्ट राशि हमारी मीन राशि है, आज आप कुछ ज़्यादा इमेजिनेटिव हो रहे हैं, अलग अलग भूमिकाओं और कल्पनाओं में डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा डूबना नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में रहें तो बेहतर आपको रिजल्ट मिलेंगे। जीवन के अन्य पहलुओं में भी कुछ तनाव की स्थिति दिख रही है और ये तनाव आपके मानसिक रूप से आपको परेशान कर रहा है। रिश्तों को थोड़ा सा संवारने की, सजाने की ज़रूरत है। अगर थोड़ा सा एग्रेसिव बनेंगे तो कुछ हासिल आपको होगा नहीं। आज आप एक नई नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं और कहीं ना कहीं इससे लाभ भी आपको हो सकता है। जो बच्चे तैयारी करें कॉम्पिटिशन की या स्टूडेंट्स हैं कुछ एडमिशन टेस्ट वगैरह देने जा रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि अपने ईस्ट का ध्यान करें तो बेहतर रहेगा। दिन कुल मिलाकर ठीक ठीक ही कहूँगा, ज़्यादा अच्छा भी नहीं, ज़्यादा बुरा भी नहीं। तो दोस्तों 9411848508 मेरा नंबर है, ईमेल आईडी मेरी bhatnagar@2411@gmail.com है। अगर आपको एनालिसिस कराना है तो आप दे सकते हैं इस पर। ये ध्यान रखिएगा, एनालिसिस आप पे उसकी निश्चित फीस आपको देनी होगी। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ।